नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात सी बोर्ड के रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। CBSE बोर्ड 10th का रिजल्ट दोस्तों आधार पर आपका रिजल्ट तैयार हो रहा है। इसी के साथ जो 12वीं की जो बोर्ड है दोस्तों CBSE बोर्ड, क्या वो भी एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं, क्या अपडेट है 12th वाले एग्जाम्स को लेकर, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। साथ में दोस्तों आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है वो भी बताऊंगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर आपको CBSE बोर्ड से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता होगा दोस्तों, CBSE बोर्ड वालों ने आपको प्रमोट कर दिया है और 10th का रिजल्ट है वो तैयार करने में यहाँ पर CBSE बोर्ड है वो जुट गया है। 15 बिंदुओं के आधार पर आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा दोस्तों। 1 मई CBSE, 10 जून तक CBSE जो है अपना जो मूल्यांकन प्रक्रिया वो पूरा कर लेगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो है 1 मई से 10 जून के मध्य आपका जो रिजल्ट है दोस्तों वो ऑफिशियली साइट पर डाल दिया जाएगा। 5 जून को दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसको नेट पर डाल दिया जाएगा और 20 तारीख तक दोस्तों आप अपना रिजल्ट है वो देख पाओगे। 20 जून को आपका रिजल्ट आना। बोर्ड के साथ साथ अब 12th बोर्ड वाले स्टूडेंट भी दोस्तों यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि उनको भी यहाँ पर जिस आधार पर 10th वाले स्टूडेंट को पास किया गया है उसी आधार पर 12th वाले स्टूडेंट को भी पास किया जाए। यहाँ पर आपकी जो मार्कशीट है कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगी, रिजल्ट आपको कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपका नाम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल नेम उसमें दे रखा होगा। इसके साथ आपके नंबर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। रिजल्ट दोस्तों आपको 20 जून को आएगा। लेकिन अब जो 12th वाले स्टूडेंट है वो भी मांग कर रहे हैं कि हमें भी बिना परीक्षा के पास किया जाए। इसको लेकर दोस्तों बहुत बड़ी संख्या में जो है आंदोलन है वो किया जा रहा है। ट्विटर पर तकरीबन 1 मिलियन ट्वीट है दोस्तों वो किए गए हैं। डेली यहाँ पर स्टूडेंट ट्वीट कर रहे हैं, यानी कि 10 लाख के आसपास स्टूडेंट डेली ट्वीट करते हैं 12th एग्जाम्स प्रमोट को लेकर, क्योंकि कोरोना से पूरे देश में दोस्तों हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसको देखते हुए यहाँ पर जो मांग आ रही है कि बिना परीक्षा के पास किया जाना चाहिए। यहाँ पर आप कुछ नंबर्स देख पा रहे होंगे दोस्तों, छात्रों की संख्या की जो है 2020 में कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, 19 में कितने दिया था, इस प्रकार दोस्तों आप देख पा रहे होंगे। इस बार दोस्तों का तकरीबन आपके 20 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट हैं 10th बोर्ड में, इसके साथ 12th बोर्ड में अलग से हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपके टोटल आपके 50 लाख के आसपास स्टूडेंट हैं। और 12th वालों को लेकर क्या अपडेट है, चलिए एक बार उसके बारे में भी देख लेती हैं। तो CBSE बोर्ड के जो 12th वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने ट्विटर पर दोस्तों अभियान चला रखा है, मुहिम चला रखी है कि जो 12th की परीक्षा उनको रद्द किया जाने से, जिस प्रकार से 10th की परीक्षाओं को रद्द करके कक्षा 10 तक प्रमोट किया गया, उसी प्रकार 12वीं का भी जो फैसला सरकार को लिया जाना चाहिए, क्योंकि 12th बोर्ड में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो स्टडी करते हैं और ऐसे में उनको भी कोरोना होने का खतरा है। इसको देखते हुए परीक्षा रद्द करने की मुहिम है ट्विटर पर चला रखी है दोस्तों। तकरीबन 1 मिलियन ट्वीट किए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 1 मिलियन ट्वीट मतलब 10 लाख ट्वीट किए गए हैं दोस्तों। 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए रिवाइज डेट शीट, निर्णय 1 जून को 2021 को देश में कोविड-19 की स्थिति का जो है जायजा लेते हुए किया जाएगा, यानी कि 1 जून को जो है 12th वालों का टाइम टेबल है वो जारी हो सकता है। ट्विटर पर चला रहे हैं रद्द का अभियान, तैयार कर रहे प्रमोट फार्मूला, जिस प्रकार से दोस्तों 10th का प्रमोट फार्मूला तैयार किया गया उसी प्रकार 12th को भी प्रमोट किया जाए। इसको लेकर दोस्तों जो समीक्षा बैठक की जाएगी। हालांकि CBSE ने 12वीं के छात्रों के लिए प्रश्न बैंक जारी कर दिए, 1 जून को आपकी परीक्षा की तिथियां आ सकती हैं, तो आप अपनी तैयारी करते रहें दोस्तों, ये ना सोचें कि हमें प्रमोट किया जाएगा, अपनी तैयारी पर पूरा फोकस करें। प्रश्न बैंक जारी कर दिया, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, सैंपल पेपर से अपनी तैयारी करें। CBSE ने बताई है मार्किंग स्कीम, तो दोस्तों आपकी जो है 12th के एग्जाम्स कराए जाएंगे। हालाँकि अगर स्थितियां दोस्तों विकट होती हैं, ज़्यादा अगर यहाँ पर जो है परिस्थितियाँ विपरीत पड़ती हैं, कोरोना ज़्यादा होता है, तो दोस्तों आपके भी प्रमोट किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर 1 जून को फाइनल डिसीजन आएगा। जो भी अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से मिलेगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस पर आपको CBSE बोर्ड से भी संबंधित सभी प्रकार की अपडेट है वो मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।